हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो सुबह के जो भी काम थे वो हो चुके हैं, झाड़ू वगैरह हमारी लग चुकी है, उसके बाद में नहा लिए हैं और झाड़ू बहन ने लगाई थी और हमने फटाफट से नहा लिया है। तो आज कपड़े नहीं सूखे थे, जैसा कि कम से कम धीरे धीरे 10 दिन होने जा रहे हैं, तो धूप जैसी तैसी निकलती है, ऐसी धूप नहीं निकलती कि ठीक से कपड़े भी सूख जाएं। तो जब तक धूप में कपड़े ना सूखे तो स्मेल सी आती रहती है, बिल्कुल भी कपड़े पसंद नहीं आते हैं बिना धूप के सूखे हुए। तो आज जो है थोड़े थोड़े हल्के हल्के ही गीले थे कपड़े, तो हमने कहा चलो मैक्सी पहन लेते हैं, तो पैर में सूख जाएंगे तो चेंज कर लेंगे। वैसे कपड़े की कमी तो नहीं है, पर जितने भी निकाल के डाल लो बरसात में उतने ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, फिर सूखते भी नहीं हैं और इधर उधर रखने में दिक्कत हो जाती है। तो सोचते हैं चलो इतने में ही काम चलता रहे वही अच्छा है, तो फिर इसीलिए नहीं निकाले थे। तो यहाँ पे दोनों साड़ियाँ भी गीली हो गई हैं, तो आज मैक्सी पहन रखी है और जो है इधर नहा धोकर आ गए थे, सारे कपड़े फैला दिए हैं। और उसके बाद में जो है दाल बनाई, तो आज हमने घुइया वाली दाल बनाई है, जो अरहर की दाल में घुइया डाल के बनाई जाती है, तो घुइया वाली दाल बनाई है। और तो दाल हमारी बन चुकी है, उसके बाद में सेक लेते हैं रोटियां। चावल नहीं बनाए हैं क्योंकि चावल ख़त्म हो चुके हैं, तो रोटियां ही बना ली थी। तो इधर जो है जल्दी जल्दी से जो है बना लेते हैं रोटी। और दाल बनाई थी तो उसका वीडियो आप सभी के साथ शेयर नहीं किया है, बस रोटियाँ ही बना ली थी। तो उसके बाद में इधर जो खाना पीना हो गया है, सभी लोग खा चुके हैं, लगाने लगे हैं झाड़ू। और अभी भी धूप नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं, काफ़ी काले काले बादल छाए हैं पर धूप नहीं निकली है। ऐसा ही मौसम दिन रात रहता है, पता ही नहीं चलता है कब सुबह है कब शाम है। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप मिट्टी का काम दिखाया करो, मिट्टी का काम नहीं दिखाती हो। तो आपकी बात एकदम सही है, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। और सभी दोस्त हमारे यही कमेंट करते हैं कि आप मिट्टी का काम क्यों नहीं दिखाते हो, मिट्टी का काम दिखाया करो, अपना मिट्टी का किचन बनाओ। तो दोस्तों हमारे पास भी कुछ मजबूरी है और आपको हम दिखाएँगे हम कहाँ पर अपना किचन बनाएँ, आप ही बताइएगा। और मिट्टी का काम जो है हमारे घर में बस इधर फर्श पे ही जो भी है मिट्टी लगा सकते हैं, और वो भी हमारे पास नहीं है, मिट्टी भी नहीं है चिकनी मिट्टी, तो वो भी हम कहाँ से लाएं आप ही बताइएगा। और बाहर भी हमें नहीं जाने की इजाज़त है ज़्यादा, तो हम अपने खुद से ही चले जाते हैं कभी कभी, सभी बिटिया जाती हैं तो उनके साथ चले जाते हैं, और ज़्यादा नहीं एक दो बार ही गए हैं तालाब पर। तो आपको हमने कई बार बताया है, तो दोस्तों आप लोग थोड़ी समझने की कोशिश करिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको हम अच्छे से अच्छे वीडियो जो है बनाकर दिखाएं और मिट्टी का काम दिखाएं। हमें भी अच्छा लगता है, कच्चा घर होता है तो लिपाई पुताई कर दो अच्छा लगता है, पर जो है कुछ हमारे पास भी दिक्कत है तो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी झाड़ू लग चुकी है, कूड़ा भर के फेंक देते हैं। और अभी भी आंगन हमारा गीला है, उधर के साइड ज़्यादा गीला है तो वहाँ पे झाड़ू नहीं लगाई थी, इतने में ही लगा ली है जहाँ पे थोड़ा सा सूखा सूखा था, क्योंकि गीले में कूड़ा चिपक जाता है तो फिर कूड़ा भी नहीं समेटते आता है। तो यहाँ पे कूड़ा तसले में भर के रख दिया है, और आज डालने के लिए नहीं गए थे क्योंकि मैक्सी पहने थे तो बाहर नहीं निकले थे। और इधर उसके बाद होने लगी थी बारिश, फिर से दोबारा से बारिश आ गई थी, ये देखिए कपड़े सूख नहीं पाए और बारिश आ गई, फिर से पानी निचोड़ पाता है वैसे फिर बारिश आ जाती है। तो दोस्तों यही दिक्कत चल रही है इस समय हमारे यहाँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा सा है, आप लोग ढेर सारा प्यार देना। घर का काम निपटाने के बाद में जो हमने कल का ब्लाउज काटे थे वही आज हम सिल रहे हैं, तो 3 ब्लाउज हमारे बन चुके हैं और 3 रह गए थे जो कि हमारे रह गए हैं और दीदी के बन चुके हैं, तो वही बना रहे थे। तो यहाँ पे एक ही ब्लाउज बचा है तो वही
दो बन चुके हैं आज, आज बनाए, और ये लास्ट में एक रह गया था तो भैया आज बना रहे हैं। और इधर सार्थक खा रहे थे नमकीन और हमारे पास में खड़े थे, क्योंकि बच्चों को खिलौना लगता है हर एक चीज़, तो ये भी मशीन में यहाँ पे आके खड़े खड़े कहीं कुछ कर रहे थे, तो हम इनको डांट रहे थे, तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं ये बच्चे। सिलाई करने बैठ जाओ तो ऐसे ही परेशान करते रहते हैं, कहीं कुछ पकड़ेंगे कहीं कुछ, तो डर लगता रहता है कि कहीं इनके चोट ना लग जाए। तो ब्लाउज हमारे सारे बन चुके हैं, जब पूरे ब्लाउज हमारे बन जाएंगे तो आप सभी को दिखाएंगे। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि इस समय जो है फुल आस्तीन चल रही है, मतलब पौन आस्तीन, तो इतनी हाफ कोई नहीं पहनता है, तो हमें अच्छी लगती है हाफ, हमें भी नहीं अच्छी लगती, मतलब फुल अच्छी लगती हैं। तो जब कपड़ा कम होता है ना तो हमें मजबूरी में बनाना पड़ता है, और वैसे सारे के सारे ब्लाउज हमारे जो हैं फुल आस्तीन वाले ही हम ज़्यादातर पहनते हैं, और जिसमें कपड़ा कम होता है तो वही हमारे ब्लाउज हाफ मिलेंगे, बाकी तो फुल आस्तीन के ही मिलेंगे। और जो हमने बनाए हैं तो उसमें भी छोटी आस्तीन नहीं बनाई है, पौन आस्तीन बनाई है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं वैसे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस समय जो है ये फुल आस्तीन और पौन आस्तीन ज़्यादा चल रही है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा प्यार दिया और ये हमें बताया। तो अभी हमारा शाम का खाना बन रहा है, ब्लाउज बन गए थे तो फिर उसके बाद खाना बनाने लगे थे, तो बहन ने सब्जी वगैरह काट के रख दी है, तो अभी बनाने जा रहे हैं अरवी की सब्जी। तो थोड़ी इस समय जो है हेल्प हो जाती है, और काम भी कुछ कम दिखा रहे हैं इस समय, क्योंकि ब्लाउज भी बना रहे दो दिन से, और थोड़ा बहुत काम हमारी बहन कर लेती है। तो सब्जी उसने काट दी थी, फिर हमने छौंक दी थी यहाँ पे बैठकर, और रोटियाँ भी बहन ने बनाई थी, तो यहाँ पे सब्जी को छौंक देते हैं। तो इधर सब्जी हमारी बन चुकी थी और बहन ने सेक ली थी फटाफट से रोटियाँ, तो हमारी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है जब से ये आई है, तो छोटे मोटे काम कर लेती है और हम जो है खाना पीना बना लेते हैं। तो आज इसने रोटियां सेकी थी, और आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।